तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर लेकर आ चुका हूं आपके लिए 2500 रुपए के अंदर टॉप 3 राउटर जो सपोर्ट करते हैं डुअल बैंड के वाईफाई के साथ साथ गीगाबाइट सपोर्ट को भी। क्योंकि अगर आपका प्लान 100 एमबीपीएस का या फिर 100 एमबीपीएस से ऊपर का है तो आपको फास्ट इंटरनेट स्पीड के लिए भाई गीगाबाइट सपोर्ट की जरूरत तो पड़ती पड़ती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस 10 नंबर पे रखा है हमने 10 के एसी 10 एसी 1200 4 एंटीना डुअल बैंड राउटर है एंड 1200 एमबीपीएस की स्पीड को सपोर्ट करता है 300 एमबीपीएस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में एंड 867 एमबीपीएस 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर 4 गीगाबाइट स्पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 1 वैन जहां से इंटरनेट आएगा एंड 3 लैन जहां को इंटरनेट जाएगा। राउटर की रेंज 100 स्क्वायर फुट यानी 2 बीएचके के आपका होम है तो उसके अंदर आपको काफी अच्छी तरह से कवरेज देखने के लिए मिल जाएगी। एंड अच्छी बात यह है कि ये राउटर अपने एप्लीकेशंस के साथ आता है तो आप इसकी एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल करके इसके सिक्योरिटी पासवर्ड एंड राउटर को मैनेज कर पाओगे काफी अच्छी तरह से। एंड अब बात करें इसकी प्राइस रेंज की तो ये आपको अभी 2200 से 2400 रुपए के बीच के अंदर देखने को मिल जाएगा। इन सभी राउटर के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी आवश्यकता के मुताबिक जाके राउटर को भाई परचेज कर सकते हैं। बट उससे पहले भाई वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस सेकंड नंबर पर रखा है हमने TP-Link Archer C6। ये भी सेम 4 एंटीना डुअल बैंड राउटर है जो सपोर्ट करता है 1200 एमबीपीएस की स्पीड को 300 एमबीपीएस 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर एंड 867 एमबीपीएस 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर। बट ये राउटर 5 गीगाबाइट स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है 1 वैन और 4 लैन को। इसकी भी रेंज आपके 2 बीएचके के फ्लैट को आराम से कवर कर देगी। ये राउटर भी आपके ऐप मैनेजमेंट के साथ देखने के लिए मिल जाता है एंड इसकी कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी 2400 से 2500 रुपए की रेंज के अंदर। एंड अगर अभी तक भी आप इस वीडियो के ऊपर रुके हुए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी न्यू टेक गैजेट्स की वीडियो लेकर आता रहता हूं। एंड गाइस अब बसता लास्ट राउटर जिसको रखा है हमने फर्स्ट नंबर पर क्योंकि ये बहुत ज्यादा तगड़ा है। इसका नाम है D-Link DIR825 एंड ये भी सेम भाई 4 एंटीना डुअल बैंड को सपोर्ट करता है 1200 एमबीपीएस की स्पीड है 300 एमबीपीएस की स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर एंड 867 एमबीपीएस की स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज में। एंड ये राउटर 5 गीगाबाइट स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है। बट इसके अंदर भाई सबसे स्पेशल फीचर ये है कि इसके अंदर आपको यूएसबी 2.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जिसमें आप वायरलेस कनेक्शन के साथ डेटा स्टोरेज को भाई ऑपरेटिंग एंड शेयरिंग कर सकते हो। एंड इस राउटर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये राउटर मल्टीपल ऑपरेटिंग मोड्स के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है तो आप अपने हिसाब से भाई मोड्स को ऑपरेट कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ इस राउटर की रेंज की तो ये आपको 2000 से कुछ 2200 रुपए की रेंज के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। है ये सबसे ज्यादा लो कॉस्ट बट भाई इसके अंदर लोडेड फीचर बहुत ज्यादा है। एंड गाइस मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपके वाईफाई कनेक्शन की वायर RJ45 है या फिर आपका रियल टाइम या फिर कॉपर वायर कनेक्शन है तो ये राउटर आपकी वायर को भाई इजिली सपोर्ट कर जाएगा। बट अगर आपका भाई फाइबर कनेक्शन है तो फाइबर कनेक्शन के अंदर आपको भाई एक अलग से ONU डिवाइस परचेज करना पड़ेगा। उसका काम ये रहेगा कि वो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल को कन्वर्ट करेगा RJ45 के अंदर एंड फिर वो वायर आपकी कनेक्ट होगी इन राउटर्स से। तो एक बार फाइबर कनेक्शन वाले यूजर्स इस चीज को नोटिस जरूर कर लेना। एंड इन सभी राउटर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भाई इस राउटर को परचेज कर सकते हो। तो फिलहाल बस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक और टेक वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।